बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत गरामी, मैं सबसे पहले जो बहसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक नेशनल इकोनॉमिक डिबेट का हिस्सा बन रही हैं। मेरी नजर में जो मैंने बजट का मुताला किया है और जो मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, और मैं एक सियासी कारकुन हूं हल्के से लेकर ऊपर तक, मुझे कोई तबका इस बजट से मुतमईन दिखाई नहीं दिया। मुझे इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि मुझे जिसे कहते हैं ना कंसर्न्स दिखाई दी हैं ऑफ ए लूमिंग डिफॉल्ट, और संजीदा लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान की आप मईशत पर एक तायराना नजर डालें तो पाकिस्तान की जो पहली चार दहाइयां हैं उसमें बेपनाह चैलेंजेस थे हमारे, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद मेरी नजर में हमने रीजनेबल ग्रोथ भी हासिल की और हमने कई कामयाबियां भी हासिल की। लेकिन यह लख फिर आप देखते हैं कि 90 की दहाई से एक जो है ना वो गंगा जो है वो उल्टी बहनी शुरू होती है और आप देखते हैं कि हमारा एक साइक्लिकल एक पैटर्न बन जाता है। कभी हम बूम के करीब दिखाई देते हैं और फिर बर्स्ट जो है, ये बूम एंड बर्स्ट का साइकिल आपको ये नमूदार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 2018 में जब पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान पर एतमाद किया और तहरीक इंसाफ को एक मैंडेट दिया और आपने हुकूमत संभाली, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो माहरीन है माशियात के, कि तहरीक इंसाफ को कोई इतनी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं मिली और हमें एक चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन से हम दो चार थे। मुझे याद है बहसीयत वजीर खारजा, मुझे कई ममालिक का दौरा करना पड़ा, दोस्त ममालिक के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ी कि ता वक्त के IMF के साथ हमारा कोई मुआहदा हो, हमें कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए ताकि हमारे निगोशिएटिंग टर्म्स जो है वो बेहतर हो जाए। फिर आपने देखा कि मुसलसल आप एक तनजली की तरफ चले जाते हैं 90 की दिहाई और उसके बाद आते चले जाएं तो आप गिरते चले गए। आप अपना इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख लें, अपना ह्यूमन इंडेक्स को देख लें, तो कोई अच्छी तस्वीर सामने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन 2018 के बाद बहुत मेहनत की इमरान खान साहब ने, रहनुमाई फरमाई और हमारी जो इकोनॉमिक टीम थी और जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि पहले आप अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने में कामयाब हुए और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आपकी गलत सिमत पर उनका रुख था वो दुरुस्त होना शुरू हुए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक अरेंजमेंट के तहत रुख्सत किया गया तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.1% को छू रही थी और हम एक मुस्बत सिफ्ट जो है हमारी तय हो गई। आइए पीडीएम की सरकार, पीडीएम की सरकार आती है और उनको एक साल से कुछ हिस्सा ज्यादा हुआ है और वो आके एक नारा देती हैं। वो नारा क्या है? वो नारा है कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए, बल्कि हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया रियासत की। मईशत का बुरा हाल था और हम मईशत को सहारा देने के लिए हमने सख्त इकदाम लिए हैं रियासत की खातिर। लेकिन जब आप देखते हैं इस साल के बजट को, फिस्कल ईयर 23-24, तो मुझे तो ये दिखाई देता है, और मैं माहिर नहीं हूं, कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल। जो इकोनॉमिक कलैप्स और जो मेल्टडाउन हमें दिखाई दे रहा है इस बजट में, वो मेजर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो उसको एड्रेस कर सके। फिर आप देखें कि मुझे तो ये लग रहा है, अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए, कि इस बजट से इन्होंने सियासत को तरजीह दी है और रियासत को दोयम कर दिया है।
मैं समझता हूं कि आज जो बजट हमारे सामने है ये हिंसों का गोरखधंधा है और झूठ का मुझे तो एक पलंदा दिखाई दे रहा है। और आज बहुत से लोग कह रहे हैं जो कि तजियाकार हैं कि ये वाक्यतन ना भी कहें तो ये इलेक्शन बजट है, जानते हुए सूरत हाल क्या है मईशत की, इन्होंने इलेक्शन को सामने रखते हुए ये बजट पेश किए। खवातीन हज़रात, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और मैंने 2018 का जो इकोनॉमिक चैलेंज का आपको हवाला भी दिया उसको सामने रखते हुए हमने दो अहम पॉलिसी फैसले किए, और वो क्या थे? हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, 75 साल तारीख में पहली मरतबा कौम को एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी, और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो महवर था वो हमने कहा होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और हमने नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा। एक दूसरा जो हमने एक पॉलिसी डिसीजन दिया वो ये था कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी खारजा पॉलिसी को, हमने उसका भी रुख तब्दील किया, हमने शिफ्ट किया फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब बहुत सी मीटिंग्स में मेरे साथ हुआ करते थे, और जितने हमारे मिशन अब्रॉड थे, हमारे डिप्लोमैट्स, मैं उनको ताकीद करता था कि आपने अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं उसमें आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आपने फोकियत देनी है। और आपको याद होगा कि जो रोशन डिजिटल प्रोग्राम है उसमें हमारे मिशन ने एक तामीरी किरदार अदा किया। अब मैं आना चाहूंगा इस बजट पर। इस बजट जो अनाउंस किया गया, डार साहब ने किया 9 जून को, मेरी नजर में ये जू का दू नहीं रहेगा, और ये एक से ज्यादा मरतबा, कम अज कम 3 मरतबा मैं देख रहा हूं ये रिवाइज होगा या इसको रिविजिट किया जाएगा। एक हुकूमत जिसकी उम्र अब रह गई है 60 दिन, 12 अगस्त को तो इनकी मियाद पार्लिमानी साल खत्म हो जाना है, ये टर्म खत्म होनी है, जो 2 माह की हुकूमत रह गई है उन्होंने 12 महीना का बजट दे दिया। अब पंजाब ने इसके बरक्स किया है, पंजाब ने 4 महीने का बजट दिया है, तो ये एक तजाद आपके सामने आ गया, तो ये सियासत यहां भी आपकी नजर आ गई। दूसरी बात मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किए हैं, जो इन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई काबिल जिक्र इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वो इन्हें कबूल करे। मुझे ये दिखाई दे रहा है एज ए सियासी कारकुन कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसे इस बजट पर नजरसानी करनी होगी, और फिर इंतखाबात आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे या बहुत खींच लिया तो नवंबर में आएंगे, और आइन इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं देता। अब देखिए इंतखाबात आ गए, एक नई हुकूमत मुंतखब होकर आ गई, उस नई हुकूमत को मेरी नजर में IMF के साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बजट आया है वो उनकी फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता, और मेरी जो इतलात हैं वो इतने मुतमईन नहीं दिखाई देते, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बजट को इंडोर्स करेंगे।